दोस्तों पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं कि आपको अपने शॉर्ट्स वीडियोस में थंबनेल लगाने के लिए आपको क्रोम ब्राउजर का यूज नहीं करना है, बीटा स्टूडियो का और प्लस में वाईटी स्टूडियो ऐप का भी यूज नहीं करना है। दोस्तों अगर आप क्रोम ब्राउजर में जाकर अगर अपने शॉर्ट्स वीडियोस में थंबनेल लगाते हो तो वो थंबनेल आपका यूट्यूब ऐप में शो नहीं होता है। कोई भी व्यूअर अगर आपके चैनल को ओपन करता है तो वो थंबनेल उसको नहीं दिखता है, यानी कि फेक, वहां से थंबनेल काम ही नहीं करता है। बाकी अगर अपने वाईटी स्टूडियो ऐप से भी लगाते हो सेम प्रॉब्लम होता है, वो भी थंबनेल आपका शो नहीं होता यूट्यूब ऐप में। तो आप लोग कमेंट करेंगे कि प्रवीण भाई आखिर हम थंबनेल कहां से लगाएं, तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा जो कि आप अपने यूट्यूब शॉर्ट्स पर कैसे थंबनेल लगा सकते हो। दोस्तों आप लोग एक चीज नोटिस किए होंगे, आपके सामने अगर कोई फैक्ट का शॉर्ट्स वीडियो आया होगा फैक्ट चैनल वाले का, तो आप देखेंगे कि उसके फैक्ट वाले शॉर्ट्स वीडियोस पर थंबनेल लगा होता है। जितने भी देख सकते हो यहां पर सारे फैक्ट चैनल वाले अपने शॉर्ट्स वीडियोस पर थंबनेल लगाता है, तो आखिर थंबनेल नहीं लगता तो ये सब कैसे लगाया है। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा जिस प्रकार से फैक्ट चैनल वाले अपने शॉर्ट्स वीडियोस पर थंबनेल लगा रहा है, तो इस प्रकार से आप भी अपने शॉर्ट्स वीडियोस पर थंबनेल लगा सकते हो। और इससे आपको पता है कि अगर आपका थंबनेल लगेगा तो आपके वीडियोस पर व्यूज भी ज्यादा आएगा, क्योंकि आपके उस शॉर्ट्स वीडियोस पर क्लिक थ्रू रेट ज्यादा होगा। तो आखिर हम कैसे शॉर्ट्स वीडियोस पर थंबनेल लगा सकते हैं, लेकिन आपको मैं पहले बताता हूं कि वीडियो को आपको पूरा देखना होगा। अगर आप वीडियो को बीच में स्किप करके देखेंगे तो हो सकता है आपको समझ में नहीं आएगा, तो पहले वीडियो को पूरा देखो। मैं गारंटी लेता हूं आप अपने शॉर्ट्स वीडियोस पर थंबनेल लगा सकते हो। तो चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले कल का यहां पे विनर देख सकते हैं, तो इस भाई का चैनल का लिंक मैं अपने वीडियो डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया हूं एंड अपने कम्युनिटी पोस्ट में एंड अपने टेलीग्राम चैनल पर, तो जाके पहले भाई के चैनल को सब्सक्राइब करो एंड इसके चैनल को सपोर्ट करो। और दोस्तों नेक्स्ट टाइम अगर आप विनर चाहते हो अपने चैनल को प्रमोशन करवाना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, नीचे कमेंट बॉक्स में आपको एक प्यारा सा कमेंट करना है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट टाइम अगर आप विनर आते हैं तो आपका चैनल का लिंक मैं एक साथ तीनों जगह प्रमोशन कर दूंगा। तो दोस्तों चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। तो आप दोस्तों मैं आ चुका हूं अपने मोबाइल स्क्रीन में और लाइव आपको यहां पर करके दिखाने वाला हूं जो कि कैसे आप अपने शॉर्ट्स वीडियोस में थंबनेल लगा सकते हो, कैसे करके आपको लगाना है। ठीक है, तो यहां पर देखिए सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि अगर आप अपने शॉर्ट्स वीडियोस में थंबनेल लगाना चाहते हैं तो आपको शॉर्ट्स वीडियो कैसे अपलोड करना होगा, क्योंकि अगर आप अपने तरीके से अपलोड करेंगे तो हो सकता है आपका थंबनेल नहीं लगेगा। तो आपको पहले यह जानना होगा कि अगर आप थंबनेल लगाना चाहते हैं तो आपको किस प्रकार से अपने शॉर्ट्स वीडियोस को अपलोड करना है। ठीक है, तो पहले वो आपको जानने के लिए यहां पर मैं चलिए आपको दिखाता हूं। तो पहले दोस्तों आपको शॉर्ट्स वीडियो कुछ अलग टाइप से अपलोड करना है। पहले आपको YouTube एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है, प्लस आइकन पर क्लिक करना है और उसके बाद आपको यहां पर क्रिएट ए शॉर्ट्स पर आपको क्लिक नहीं करना है, जो मिलता है क्रिएट ए शॉर्ट्स तो इस पर आपको क्लिक नहीं करना है। आपको किससे अपलोड करना है, यहां पर आपको करना है अपलोड या वीडियो पर क्लिक करना है। बाकी दोस्तों आप अपने शॉर्ट्स वीडियो को यहां पर सिलेक्ट कर लेना, जो भी आपका शॉर्ट्स वीडियो है, जैसे कि मैं चलिए एक वीडियो यहां पर सिलेक्ट कर लेता हूं इस प्रकार से। अब दोस्तों सेलेक्ट करने के बाद आपको सिंपली यहां पर नेक्स्ट पर क्लिक करना है। ठीक है, यहां पर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे इस प्रकार से, तो यहां से आपको जैसे भी करके अपना नेक्स्ट पर फिर से क्लिक करेंगे तो अपना यहां पर आपको टाइटल वगैरह दे देना है, जो भी चीज आपको यहां पर फिल करना है सारा चीज दे देना है। उसके बाद दोस्तों आपको फिर विजिबिलिटी में आपको हमेशा यहां पर अनलिस्टेड रखना है। जब अपना थंबनेल वगैरह सारा चीज आपका काम हो जाएगा उसके बाद आपको पब्लिक करना है। ठीक है, तो यहां पर आपको अनलिस्टेड रखना है। उसके बाद आपको यहां पर अपलोड शॉर्ट्स पर क्लिक करके, यहां पर देख सकते हैं अपलोड शॉर्ट्स पर क्लिक करके आप अपने शॉर्ट्स वीडियोस को अपलोड कर सकते हो, लेकिन अनलिस्टेड वाली अभी आपको पब्लिक नहीं करना है। ठीक है, पब्लिक कब करना है, जब आपका पूरी तरह से अपलोड हो जाएगा सारा काम हो जाएगा उसके बाद पब्लिक करना है। तो अब मैं आपको चलिए दिखाता हूं जो कि कैसे थंबनेल आपको लगाना है। तो थंबनेल लगाने के लिए पहले आपको दिखाता हूं यहां पर फैक्ट चैनल वाले कैसे यूज कर रहा है। तो यहां पर मैं जाता हूं, लिखता हूं इस प्रकार से फैक्ट, यहां पर देखते हैं मैं सिंपली फैक्ट लिखकर सर्च कर देता हूं। तो जैसे मैंने फैक्ट लिखकर सर्च किया तो देखो यहां पे फैक्ट का जितने भी शॉर्ट्स वीडियो आ रहा है यहां पर देखो सब कोई थंबनेल अपना वीडियोस में अटैच करके रखा है। ठीक है, तो यहां पर मैं आपको दिखाने के लिए मैं इस थंबनेल को यहां पर इस शॉर्ट्स वीडियो को मैं यहां पर ऐड करूंगा। ठीक है, इस शॉर्ट्स वीडियोस को मैं सबसे पहले आपको लाइव दिखाऊंगा कि इसने कैसे लगाया, उस प्रकार से आप भी लगा सकते हो। तो यहां पर मैं इस शॉर्ट्स वीडियोस को मैं चलिए ले चलता हूं इसको दूसरे जगह, उसके बाद आपको दिखाता हूं कि कैसे इसने लगाया और आप कैसे लगा सकते हो, और 100% जिस प्रकार से इस भाई ने लगाया उस प्रकार से आप भी लगा सकते हो, ये सारे फैक्ट चैनल पर जिस प्रकार से लगा है। तो चलिए मैं इस शॉर्ट्स वीडियोस को मैं ले चलता हूं काइन मास्टर पर पहले। तो अब दोस्तों मैं आ चुका हूं अपने काइन मास्टर एप्लीकेशन पर और यहां पर पहले मैं उस शॉर्ट्स वीडियोस को ऐड करता हूं जो फैक्ट वाला मैंने जो कि किया। यहां पर देखिए मैं जाता हूं यहां पर इस प्रकार से उसको ऐड कर लेता हूं। तो उस शॉर्ट्स वीडियोस को मैं ऐड कर लेता हूं। अब सबसे पहले एक साइड यहां पर देख सकते हो यूट्यूब वीडियोस का जो कि उसका थंबनेल किस प्रकार से दिख रहा है। ठीक है, अब उसका जो थंबनेल है वो उसका जो थंबनेल यूज किया गया है वो थंबनेल देख सकते हैं कुछ यहां से लिया गया है। यहां पर जो आपको पार्ट दिखाई दे रहा है, यहां पर से ये वाली जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, यही थंबनेल उसके वहां पर यूट्यूब ऐप में शो हो रहा है, उसके शॉर्ट्स वीडियोस पर यही थंबनेल दिख रहा है। तो ये जो थंबनेल है और ये थंबनेल दोनों सेम है, देख सकते हो, यानी कि इस वीडियो को मैंने काइन मास्टर में लाया हूं तो यहां पर देख सकते हैं ये वाली थंबनेल और वो वाले थंबनेल बिल्कुल सेम है। तो दोस्तों आप यहां पर देख सकते हो जो कि इसने अपने वीडियोस पर कोई भी अलग से थंबनेल नहीं लगाया है,
इसका वही थंबनेल है जो इसके वीडियोस में शो हो रहा है, लेकिन इसने कुछ ऐसा काम किया है यहां पर देखिए जिसके कारण इसका वीडियो पर थंबनेल दिख रहा है। तो वो काम क्या किया है, सबसे पहले देखते हैं इसने जो वीडियो एडिट किया है वीडियो एडिटिंग का टाइम ही थंबनेल अटैच कर दिया है। वो कैसे दोस्तों, आप लोग फैक्ट चैनल पर एक चीज नोटिस किए होंगे, आप लोग एक चीज देखे होंगे जो कि आप सारे फैक्ट चैनल पर इस प्रकार से आपको टेक्स्ट लिखा हुआ दिखता है ऊपर में, सारे फैक्ट चैनल पर देखना जिसका वीडियो वायरल होता है उसके शॉर्ट्स वीडियोस पर आपको इस प्रकार से देखने को मिलता होगा टेक्स्ट। यहां पर टॉप 8 अमेजिंग फैक्ट इसने क्यों लिखा है, ताकि उसके यूट्यूब ऐप के थंबनेल में भी शो हो रहा है, यूट्यूब शॉर्ट्स के वीडियो पर भी शो हो रहा है इस प्रकार से। तो उसने अपने वीडियोस में भी लिख दिया है, अपने वीडियोस के पूरे लेंथ में लिखा है, यहां पर आपको दिखाता हूं, देख सकते हैं पूरे लेंथ में लिखा है, ये वाली चीज पूरा लेंथ में यहां पर लिखा है, देख सकते हैं पूरे वीडियो में लिखा है। तो क्यों लिखा है, ताकि यूट्यूब कहीं से भी उसका थंबनेल उठाता है तो ये टॉप 8 अमेजिंग फैक्ट लिखा हुआ उसके वीडियोस पर दिख जाएगा, कहीं से भी थंबनेल उठाएगा इस शॉर्ट्स वीडियो पर ही उठाएगा ना, आखिर थंबनेल उठाएगा कहीं से, यहीं से उठाएगा, तो कहीं से भी YouTube एप्लीकेशन उठाएगा, लेकिन उसका जो ये टेक्स्ट है वो टेक्स्ट उसके ऐड हो जाएगा। बाकी दोस्तों मैं यहां पर कुछ शॉर्ट्स वीडियो आपको ओपन करके दिखाता हूं प्ले करके, तो देखो यहां पर गौर से आपको इसमें भी टेक्स्ट देखने को मिल रहा है, फिर से मैं स्क्रॉल करता हूं देखो इसमें भी आपको टेक्स्ट देखने को मिल रहा है, तो यहां पर इसमें भी आपको टेक्स्ट देखने को मिल रहा है, और फिर मैं स्क्रॉल करता हूं तो देखो सारे वीडियोस में आपको टेक्स्ट देखने को मिल रहा है थंबनेल में। अरे फैक्ट चैनल वाले अपने वीडियोस में टेक्स्ट यूज कर रहा है इस प्रकार से, और जिसके कारण उसका थंबनेल में आकर अटैच हो जा रहा है। तो इस प्रकार से कुछ फैक्ट चैनल वाले अपना दिमाग लगाता है और अपने वीडियोस के अंदर ही कुछ ऐसा काम कर देता है जो कि उसके शॉर्ट्स वीडियोस पर थंबनेल का काम करता है। तो आपको क्या करना है, अगर आप अपने शॉर्ट्स वीडियोस पर थंबनेल लगाना चाहते हो तो आपको लंबा वाला वीडियो क्रिएट नहीं करना है, आपको हमेशा पहले अपना शॉर्ट्स वीडियो क्रिएट करो जो कि 16:9 रेशियो वाला, जो यूट्यूब का जो चौड़ाई लंबाई होता है उस प्रकार का वीडियो बनाओ, बाकी उस वीडियोस को पहले आप यहां पर देखते हैं इस भाई ने जैसे अटैच किया इस प्रकार से अटैच कर देना है, और आप भी इस प्रकार से यहां पर टेक्स्ट ऐड कर सकते हो, बाकी ऊपर आपको ब्लैंक छोड़ देना है, यहां पर देखते ऊपर ब्लैंक छोड़ना है नीचे ब्लैंक छोड़ना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप भी अपने वीडियो को एडिट करने के टाइम इस प्रकार से एडजस्ट कर सकते हो, उसके बाद आपका थंबनेल शो करेगा, कहीं से भी उठाएगा तो आपका थंबनेल में वो टेक्स्ट लिखा हुआ आ जाएगा, बाकी कुछ अट्रैक्टिव चीज भी उठाता है यूट्यूब, आपके वीडियो में जो अट्रैक्टिव होता है वही चीज उठाता है। तो इस प्रकार से आप भी अपने शॉर्ट्स वीडियोस पर थंबनेल लगा सकते हो, बाकी यूट्यूब शॉर्ट्स पर थंबनेल ऐसे डायरेक्टली अटैच नहीं होता है, कहीं से नहीं होता है, क्रोम से भी नहीं होता है, YT स्टूडियो ऐप से भी नहीं होता है, वहां से आप कर सकते हो लेकिन वो थंबनेल आपका शो नहीं करेगा, यूट्यूब ऐप में नहीं दिखेगा, कोई बेनिफिट नहीं है। तो इसका एक ही सॉल्यूशन है कि आप अपने वीडियो एडिटिंग का टाइम ही आप वो काम कर सकते हो, अपने वहां पर टेक्स्ट वगैरह ऐड कर सकते हो और अपने वीडियो को अट्रैक्टिव बना सकते हो, बाकी शॉर्ट्स वीडियो वायरल होता है आपका बोलने के तरीके से, आप किस प्रकार से बोल रहे हो। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।